ट्रेन में खड़े एक व्यक्ति ने एक मिनट में 20 टेलीफोन पोस्ट की गिनती करता है। अगर इनके बीच की दूरी 50 मीटर है तो ट्रेन किस गति से दौड़ रही है? जैसे कि ट्रेन जो है, ये एक व्यक्ति ट्रेन में खड़ा है और वो देख रहा है कि एक मिनट 60 सेकेंड में जो ट्रेन है वो 20 टेलीफोन पोस्ट को पार कर जा रहा है और हर टेलीफोन के बीच का अंतर जो है वो 50 मीटर है, यानी कि एक से दूसरा के बीच में 50 मीटर, दूसरा से तीसरा के बीच में 50 मीटर और थ्री टू फोर के बीच में 50 मीटर और 4 to 5 के बीच में 50 मीटर, ठीक है। इस तरह से अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट के बीच का जो मतलब आएगा वो आएगा 19, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट के बीच में ही सारा आ रहा, तो 90 पोस्ट के बीच में जो दूरी आ रहा है 6.5, मतलब दूरी कितना है, 50 मीटर पे दूर पे है, पार कितने में कर रहा, तो 60 सेकेंड में कर रहा, यानी कि एक मिनट में मतलब कि 60 सेकेंड में कर रहा। जब इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 57 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ट्रेन का स्पीड होगा 57 किलोमीटर पर आवर। थैंक यू।